हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि आखिर आप किस प्रकार से ग्रीन स्क्रीन का यूज़ करते हुए आप अपने वीडियोस और क्रिएटिव बना सकते हैं, किस प्रकार से अपने बैकग्राउंड में अलग अलग तरीके के आप इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, अलग अलग तरीके के सीन्स डाल सकते हैं और आप अपने वीडियोस को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले इसके इक्विपमेंट्स जानते हैं कि आखिर क्या क्या इक्विपमेंट्स इसमें आपको ज़रूरी होंगे, कम बजट में आप किस प्रकार से ग्रीन स्क्रीन का यूज़ बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इसके इक्विपमेंट्स बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपको मिलेंगे यहाँ पर ऑनलाइन टीचिंग फील्ड से जुड़े हुए बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ और लगातार हमारे चैनल पर ऑनलाइन टीचिंग फील्ड से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियाँ भी आपको यहाँ पर मिलती हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, देखने को मिलता है कि आपको ट्राईपॉड की ज़रूरत होती है। मैं आपको ट्राईपॉड की लिंक ज़रूर आपके डिस्क्रिप्शन हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जिसमें आपको बताऊँगा कि मल्टीपर्पज़ आप ट्राईपॉड ले लीजिए, जो आपको यूज़ आए मोबाइल के साथ 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 ही साथ कैमरे के लिए भी। तो दोस्तों, आपको कैमरे का यूज होगा, जो कि प्रोफेशनल कैमरा अगर आप यूज करते हैं तो उससे वीडियो क्वालिटी जो आती है वो बहुत ही शानदार होती है। आप प्रिफर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो भी कैमरा आप यूज करना चाहें, प्रोफेशनल कैमरा। मैं इसलिए बता रहा हूं प्रोफेशनल कैमरा, जिससे कि आपकी जो वीडियो क्वालिटी बनती है वो ज्यादा ही शानदार आती है। उसके बाद दोस्तों, जो बात आती है कैमरा और दूसरा ट्राइपॉड, उसके बाद जो बात आती है दोस्तों वो होती है माइक की। तो माइक आपको सेलेक्ट करना है, बोया का मैं प्रेफर कर रहा हूं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। उससे आवाज इतनी क्लियर आती है कि लाइक आप अगर कुछ भी समझा रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं तो उसको कोई भी डिस्टरबेंस बीच में नहीं आती। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूं बोया का माइक। आपको मैं डिस्क्रिप्शन इन सारी चीज़ों के जो लिंक है मैं आपको दे दूंगा, आप डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करके आप उन चीज़ों को परचेस कर सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन दोस्तों जो आप देख रहे हैं वो है स्टूडियो लाइट्स। बिल्कुल दोस्तों, स्टूडियो लाइट्स आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं या आप जाकर के ऑफलाइन मार्केट में भी परचेस कर सकते हैं, बट आपको रेट के डिफरेंसेस और क्वालिटी डिफरेंसेस आपको कई जगह को मिलेंगे। बट मैं जो प्रेफर करता हूं, मैं उसकी भी लिंक आपको जरूर प्रोवाइड करा दूंगा। स्टूडियो लाइट के इफेक्ट कारण क्या होता है, जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूं, मेरे आपको फेस आई थिंक उतना क्लियर नहीं होगा, बट अगर मैं स्टूडियो लाइट लगा लेता हूं और उसका इफेक्ट जो है डायरेक्टली बॉडी पे पड़ता है तो जो ब्राइटनेस है मेरी, जो पिक्चर क्वालिटी और बेहतर हो जाती है। तो इसलिए आप देखते होंगे कहीं भी अगर आप स्टूडियोज में जाते होंगे अपनी पिक्चर क्लिक करवाने या आप अपनी फोटो निकलवाने जाते होंगे तो वहां पर भी आपको ये देखने को मिलता होगा कि उन लोग स्टूडियो लाइट का यूज़ करते हैं। तो इसलिए क्योंकि वो आपकी पिक्चर क्वालिटी को और भी बेहतर करता है। तो इसकी भी लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूंगा, आप वहां से खरीद सकते हैं। अब जो नेक्स्ट आइटम आता है वो है आपकी ग्रीन स्क्रीन दोस्तों। तो ग्रीन स्क्रीन आप सबसे पहली बात आती है कि कौन सी ग्रीन स्क्रीन यूज करें। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि ग्रीन स्क्रीन अच्छी क्वालिटी की यूज़ करें, जिससे कि आपको जो ट्रांसपेरेंसी हो वो बिल्कुल ना हो, कि लाइक आपके बैकग्राउंड का जो विजिबिलिटी हो वो नहीं दिखना चाहिए। मुख्य रूप से आपको ऐसा ग्रीन स्क्रीन यूज़ करना चाहिए। अब आपको सवाल आता होगा कि ग्रीन स्क्रीन यूज़ करके हमको मिलेगा क्या। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने जो जितने भी मूवीज़ देखे होंगे, आई थिंक आपने बाहुबली देखी होगी, तो वो भी दोस्तों ग्रीन स्क्रीन के थ्रू ही बनी है। आप खुद देख सकते हैं, आप लोग रिसर्च कर सकते हैं। तो मतलब आप बहुत सारे इनोवेटिव वीडियोस, आप बहुत ही अट्रैक्टिव वीडियोस आप ग्रीन स्क्रीन का यूज़ करते हुए बना सकते हैं। अब दूसरी बात आती है दोस्तों, इसके लिए आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, इसके लिए सिर्फ आपको ज़रूरत पड़ेगी वो है क्लिप की। तो आप इस क्लिप को ले सकते हैं, जिससे कि ये जो सलवट आ रही है बीच में, ये आपको सलवट बीच में नहीं आएगी। वो सिलन जो आप देखने को मिलती है ना, वो आपको नहीं आएगी। आप इससे टाइट करके उनको रख सकते हैं। इसका पूरा कंप्लीट सेट दोस्तों ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, आप ऑनलाइन डायरेक्टली इसको परचेस कर सकते हैं या ऑफलाइन भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, बट ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूं। बट जो मैं प्रेफर करता हूं उसकी लिंक भी मैं आपको दोस्तों जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। अब दोस्तों, बात तो हो गई कि आपको क्या क्या सेटअप की रिक्वायरमेंट है। अब आप इसको वीडियो बनाने के लिए आप
सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करें उसकी बात आती है। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए मैं जो प्रेफर करता हूं वो सॉफ्टवेयर है आपका सोनी वेगास। तो दोस्तों आप सोनी वेगास सॉफ्टवेयर यूज करते हुए अपने वीडियोस बहुत ही शानदार बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, आगे आने वाले वीडियोस में आपको और भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे ऑनलाइन टीचिंग फील्ड से जुड़ी हुई, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप सोनी वेगास सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आने वाले वीडियो तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो अपना लाइक जरूर दें, और साथ ही साथ अपने कमेंट्स हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो दोस्तों आने वाले वीडियो तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, धन्यवाद।